किसी को भी वश में करने का एक अद्भुत टोटका आज आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, स्नान कर लेना है और एक साफ़ सुथरे कमरे में बैठकर ये क्रिया करनी है। आपको अपनी जो नाक का ये वाला हिस्सा है, बीच वाला, इसको पहले तो दाई आँख से देखना है, मतलब त्राटक करना है, और फिर बाई आँख से देखना है। एक एक दो दो मिनट तक ऐसा करिए। इसके बाद आपको लेना है गुलाब का पुष्प। गुलाब के पुष्प को नाक के पास लाकर सूंघना है। इसके बाद गुलाब के पुष्प को भी इसी तरह से देखना है, नाक के पास में लाके पहले दाएं नेत्र से, उसके बाद बाएं नेत्र से इस तरह से त्राटक करना है। जिस समय आप ये त्राटक कर रहे हैं, जिसको भी अपने वश में करना है उसकी इमेजिनेशन अपनी आँखों में करिए। इसके बाद उस पुष्प को चौराहे पर फेंक दीजिए और उसके बाद में बिना पुष्प के ही ये क्रिया करिए कि आप अपनी जो नाक है वहाँ पर त्राटक कर रहे हैं और उस इंसान का स्मरण कर रहे हैं जिसको आपको अपने वश में लेना है, जो हमेशा आप पर हावी होता है, आपको डाउन करने की कोशिश करता है। आप कुछ समय जैसे आपने गुलाब की सुगंध को महसूस किया था, बिना गुलाब के ही उस सुगंध को महसूस करिए। ऐसा करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी और उसके बाद में जिसको भी अपने वश में करना चाहेंगे उसका नाम में लेकर ये क्रिया करें। जो भी आप पर हावी रहता होगा, आप पर छाने की कोशिश करता होगा, वो आपके तलवे चाटने लगेगा।